سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अक्सर लोग जो लॉकडाउन में हैं वो घरों में मौजूद किसी और मसरूफियत में नहीं हैं। नमाज़ों की पाबंदी मेरा भाई और मेरी बहन अब तो कर लो, जब और कोई काम करने को नहीं अब तो नमाज़ों की पाबंदी कर लो। घर में बैठे हो, खुदा के लिए नमाज़ें पढ़ लो, फ़र्ज़ नमाज अदा करो, उसको सुकून के साथ अदा करो, उसके औकात में अदा करो। देखिए मैं आपसे एक हदीस मुबारक शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उससे मेरी और आपकी हम दोनों की इस्लाह हो। मैं भी गुनाहगार आदमी हूँ, खताकार आदमी हूँ, हम सब दुआओं के मोहताज हैं, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुँची है कि सबसे पहले बंदे के आमाल में नमाज की तरफ देखा जाएगा, अगर इसकी नमाज कबूल हो गई तो इसके दीगर आमाल में देखा जाएगा, और अगर नमाज ना मकबूल हुई तो इसके और किसी नेक अमल की तरफ नहीं देखा जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस रिवायत को इमाम सुयूती ने अल बुदूर उस्साफिरा में रिवायत किया है, हदीस नंबर 723। और इमाम सुयूती लिखते हैं कि अखराजहू इमाम मालिक फिल मुवत्ता इमाम मालिक, इमाम मालिक ने इसकी तखरीज की है अल मुवत्ता इमाम मालिक में। तो कहने का मकसद है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि देखें जी, अगर नमाज जो है वो ना मकबूल हुई या नमाज बंदा पढ़ता ही नहीं था तो इसकी सज़ा तो दोजख की शक्ल में ज़रूर मिलेगी। दूसरे नेक आमाल इसको इसके गुनाह की वजह से दोजख से नई निजात दिला सकेंगे, और अगर नमाज मकबूल हुई तो इसके साथ दीगर फ़र्ज़ आमाल की अदायगी की वजह से जन्नत के दर्जात में तरक्की के साथ जन्नत में दाखिल होगा। इस रिवायत के ये मानी हरगिज़ नहीं है कि इसके बाकी फ़राइज़ और नफली इबादात जैसे हज हो गया, ज़कात हो गई, रोज़ा हो गया, ये बिल्कुल नामंजूर हो जाएंगे, बल्कि कहने का मकसद है कि नमाज में पास तो फिर बाकी कंसिडर किए जाएंगे कि उनसे फिर दर्जात की बुलंदी हो, और नमाज नहीं तो बाकी जो है फिर दर्जात की बुलंदी वाले जो अमाल हैं फिर वो बाद में, पहले तो सज़ा होगी कि नमाज नहीं पढ़ी। तो इतनी ज़रूरी और अहम इबादत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज की अल्लाह के नज़दीक बड़ी अहमियत है, अगर इससे कुछ कमी हुई तो इसका हिसाब लिया जाएगा। इस रिवायत को इमाम अजबहानी ने रिवायत किया है और फिर इसको इमाम मुंजरी ने तरगीब व तरहीब में रिवायत किया है। तो इसलिए कोशिश करो कि नमाज़ों को अदा करो। और देखो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और लोगों के दरमियान सबसे पहले नाहक खून का फैसला होगा। इस रिवायत को हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से। इसे इमाम बुखारी ने इसका इखराज किया है किताब रकायक में, हदीस नंबर 6533। फिर इसको वापस पलटा कर किताब दियात में भी इमाम बुखारी लाते हैं। फिर इमाम मुस्लिम ने इसको किताबुल कसामा में रिवायत किया है। फिर इमाम तिरमिज़ी ने इसको किताब दियात में, अच्छा फिर उसके बाद इमाम नसाई ने इसको किताब अत-तहरीमुद्दम में, इब्ने माजा ने इसको रिवायत किया, इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है। बहरहाल कसरत से ये रिवायत हदीस की किताबों में मौजूद है। उसमें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।